नमस्कार, वक्त हो गया है विकीबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। फिलिस्तीनियों पर इसराइल के हमले के खिलाफ इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन की बैठक हुई। इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 देश हैं। इस आपात बैठक में इसराइल की कड़ी आलोचना की गई और गाजा में तुरंत हमले रोकने की मांग की गई। हालांकि इसराइल को लेकर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी और इसे लेकर उनके बीच के मतभेद बैठक में भी खुलकर सामने आए। पिछले साल यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। वहीं मिस्र और जॉर्डन ने भी शांति स्थापित की। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गांव में अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें कुछ लोगों की कोरोना तो कुछ बुखार और कुछ हार्ट अटैक जैसी अन्य बीमारियों के चलते मौत होने के मामले हैं। एक महीना तक कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग चेत नहीं रहा। उन्होंने बताया कि आंकड़ों में हेरफेर देखने के बाद गांव के प्रधान ने कुछ लोगों की मदद से 18 अप्रैल से 15 मई के बीच के मृतकों की लिस्ट तैयार की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानमोह इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। दोनों अलबदर आतंकी संगठन के सदस्य थे। इसकी जानकारी कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने दी। पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इससे पहले सोमवार सुबह इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इससे पहले अनंतनाग वेलू में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। नारदा सिंह मामले में सोमवार को लिए गए सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल की राजनीति फिर गर्मा गई है। मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालत इस कदर बेकाबू हुए कि यहां पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। इसी केस में सीबीआई ने सोमवार को टीएमसी के नेताओं के घर पर छापेमारी की थी और उन्हें अपने साथ दफ्तर ले आई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची और टीएमसी नेताओं के गिरफ्तारी का विरोध किया, साथ ही चेतावनी दी कि सीबीआई को उन्हें भी गिरफ्तार करना होगा। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बड़ा रोल निभाएगी। स्पुतनिक वी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ अब शिल्पा मेडिकेयर ने भी वैक्सीन विनिर्माण को लेकर समझौता किया है। दवा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने सोमवार को कहा कि उसकी शाखा ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के विनिर्माण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया है। इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए पुष्कर में बने इसराइलियों के धर्मस्थल खबाद हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सशस्त्र जवान 24 घंटे सूने पड़े इस विदेशी धर्मस्थल के बाहर पहरा दे रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी इस पर निगरानी रखी जा रही है। मैनेजर हनुमान बाकोलिया ने बताया कि यहाँ लोगों के आने जाने पर पाबंदी है। अभी यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, बीते एक साल से यहाँ ताले लटके हुए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के फरार आरोपी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने रविवार देर रात यह जानकारी दी। गिरफ्तारी के बाद उसे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन लाया गया। नवनीत दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस को उसके विदेश भागने का शक था। नवनीत कालरा के वकील विनीत मल्होत्रा का कहना है कि नवनीत के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, मामला पूरी तरह से साफ है। देश कोरोना से जूझ रहा है। अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन के साथ साथ एम्बुलेंस की भी भारी किल्लत है। एम्बुलेंस मिल भी जाए तो कई बार ट्रैफिक जाम की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज की मौत हो जाती है। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब इस मुसीबत को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। यह एम्बुलेंस स्ट्रेचर, ऑक्सीजन किट, लाइट, फैन, आइसोलेशन कैबिन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस एम्बुलेंस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नाम दिया गया है। आज से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री शुरू हो रही है। इसमें 21 मई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,777 रुपये तय की गई है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे
और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दरअसल एक सरकारी बॉन्ड होता है, इसे डीमैट के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 89 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स 21 जून से 30 जून तक होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। GDMO के पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास MBBS डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इंटर्नशिप कर चुके कैंडिडेट्स भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।